मेरा नाम नरेश बादू है मैं अबोहर पंजाब से रहने वाला हूँ। मैं एक प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर हूँ। तो मेरा जूनियर नेशनल कैंप के अंदर मेरे लिगामेंट टियर हो गए थे, तो उस टाइम तो मुझे इंजरी का पता नहीं लगा। फिर हमने लोकली वहाँ से MRI करवाई हमारे, तो हमें इंजरी का पता चला। तो थोड़े बहुत टाइम हमने मैंने लोकली उधर ही ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि उस टाइम तक इसी इंजरी का इतना पता नहीं था मेरे को। पर उसके बाद थोड़ा गेम नहीं कर पा रहा था मैं, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई। तो उसके बाद मेरे पापा के एक फ्रेंड ने दिलीप सर से करवाया हुई थी सर्जरी, और उनकी अच्छी सर्जरी हुई हुई थी, तो मेरे को रिकमेंड किया। तो मैं यहाँ आया जयपुर और दिलीप सर से बात की। फिर सर ने मुझे सर्जरी रिकमेंड की, क्योंकि मेरे ACL पूरा डैमेज था, PCL भी और मेनिस्कल भी रिपेयर हुआ है। उसके बाद मैंने इंडस हॉस्पिटल जयपुर से दिलीप सर से मेरी सर्जरी हुई। उसके बाद मुझे मतलब साइकोलॉजिकली काफ़ी मुझे दिक्कत आ रही थी सर्जरी होने के बाद में, क्योंकि इतने टाइम से मैं खेल रहा था और उसके बाद एकदम ऐसे बेड पे चला गया। तो उसके बाद दिलीप सर ने जैसे मुझे साइकोलॉजिकली भी बहुत हेल्प की, और सर्जरी के बाद में यहाँ हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। मैं 5 दिन तक यहाँ पर एडमिट था, उसके बाद मैं अपने घर चला गया और वहाँ से ही अपना फिजियो लिया, और फिर रेगुलर 1 महीने के बाद मैं यहाँ पर दिखाने आता था सर को। तो मेरा धीरे धीरे अच्छी रिकवरी हो रही थी, और आज जैसे मेरी सर्जरी को 1 साल हो गया पूरा, और अभी मैंने गेम भी अपना करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे कैंप हैं दिल्ली में, तो अभी मैं उसके लिए जाऊंगा 20 तारीख को। तो अभी मैंने अपना दोबारा गेम भी शुरू कर दिया है, और जैसे कि मुझे 5-6 महीने के बाद साइकोलॉजिकली काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं गेम नहीं शुरू कर पा रहा था। तो सर ने मुझे साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और मेरे फिजियो थे उन्होंने भी मेरे को हेल्प की। उसके बाद अभी मैं अपना गेम अच्छे से कर पा रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, मेरी स्ट्रेंथ भी फुल है, और कोई भी और भी घुटने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है।